સુરત ગ્રામીણ સ્કૂલોમાં કોરોનાની દહેશતને લઈને ફરજિયાત માસ્ક પહેરવાનો અમલ કરવામાં આવ્યો છે. હાલ ચીનને કારણે ગતિવિધિ પકડી છે ત્યારે સમગ્ર ભારતમાં એક ડરનો માહોલ ફેલાયો હોય ત્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી દ્વારા એક પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો જે વાતને લઈને સમગ્ર ગુજરાતમાં તમામ શાળાઓમાં ફરજિયાત માસ્ક પહેરવું અને સેનેટાઇઝર રાખવાની અમલવારી પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરીએ પરિપત્ર જાહેર કરી ગ્રામીણ તમામ સ્કૂલમાં સેનેટાઇઝિંગ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ માટે ફરજિયાત માસ્ક, ફરજિયાત હાથ ધોવા માટેની તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ રાખવાની સાથોસાથ તમામ સ્કૂલના સ્ટાફને પણ આ નિયમનું પાલન કરવાનું હોય તમામ શિક્ષણ સ્ટાફ અધિકારીઓને પાલન કરવાનું રહેશે તેવું જણાવતા સ્કૂલોમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને માસ્ક પહેરવાની ફરજ પાડવામાં આવી રહી છે. सर आज हमारे स्कूल में बताया कि कोरोना COVID-19 जो है वो वापस से आ चुका है तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो COVID-19 की गाइडलाइंस है वो बताई गई. हमें कहा गया है हमारे स्कूल में कि मास्क कंपलसरी है और मास्क के साथ साथ सैनिटाइज़र भी कंपलसरी है. हमें हैंड वॉश करते रहना है और लंच शेयरिंग और फिर क्लास में भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है. कोरोना को लेकर आपको किसी को बच्चे को कोरोना हो जाए तो आपको क्या स्कूल के हमारे प्रिंसिपल द्वारा ये कहा गया है कि अगर हमारी क्लास में या फिर हमारे स्कूल में किसी को कोरोना हो जा रहा है या फिर फीवर टाइप का कुछ लग रहा है तो वो घर पर ही रहे, उन्हें ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा. कोरोना के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? कोरोना के लिए मैं संदेश देना चाहूँगी कि जैसे COVID-19 आ रहा है और देशों में आ रहा है, हमारे देश में अभी उतना केस नहीं है लेकिन जितना भी है हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी चाहिए. जो भी गाइडलाइंस है उसे फॉलो करना चाहिए. बस मेरा नाम RS तिवारी सर है और मैं शिव सागर स्कूल में एडमिन के पद पे कार्यरत हूँ. जैसा कि यह कोरोना वायरस की न्यूज़ आ रही है और हमें सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार हमने बच्चों को, पेरेंट्स को गाइड किया है कि कंपलसरी मास्क लगा के ही स्कूल आना है, सैनिटाइज़र हर बच्चे के पास अपने पास होना चाहिए और किसी भी बच्चे को अगर ज़रा सा भी सर्दी, खांसी, फीवर ऐसा कुछ महसूस होता है तो वो इन्फॉर्म करें या फिर बच्चों को घर पे ही रखें. पेरेंट्स को हमने सूचना दी है कि घर पे ही रखें, हम बच्चों को यहाँ से ही होमवर्क वगैरह जो कुछ भी है ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएंगे उन्हें ऐसा कुछ भी. और पूरी तरह से हम बच्चों को अभी सोशल डिस्टेंसिंग ये सभी मेंटेन कर रहे हैं और हम चाहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम चाहते हैं कि कुछ भी छोटा मोटा भी हो तो वो पहले ही उसका प्रिवेंट करें. और बच्चों को भी हम हेल्दी फूड के लिए भी गाइड कर रहे हैं ताकि वो हेल्दी फूड लें, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करें, एक्सरसाइज ये सब बच्चों को सिखा रहे हैं कि व्यायाम वगैरह करें और रेगुलर अपने हेल्थ कॉन्शियस रहें.